नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले हफ्ते का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लास्ट टाइम हमने 31 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबको हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 1 सितंबर से लेकर आज तक यानी कि 8 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। आज का जो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पिछले कई महीनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज एक साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। तो हर एक टॉपिक को ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कहां से मिलता है, यहां से यानी कि टेलीग्राम चैनल से। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जब आप नोट्स बनाते हो तो बहुत ये काम आएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो जहां से आपको सुविधा मिले वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले। रेगुलर अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर भी कर सकते हो। सबसे पहले पिछले लेक्चर्स में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे यहां देखेंगे। दो क्वेश्चन हैं आपके लिए यहां पर, और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सुझाव मांगा था कि क्या मैं क्वेश्चन का आंसर साथ में करूं या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यानी कि जो मेजोरिटी था उनका यह कहना था कि वीडियो के अंत में क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी कर दिया जाए, लेकिन आप वीडियो शुरू में देख रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा ताकि पता चल सके कि आप लोग सही आंसर कर रहे हैं, और इस वीडियो के अंत में मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा आज से ही। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राज्य में सूखे की स्थिति में फसल खराब होने पर सरकार द्वारा प्रति एकड़ कितने रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है इसी वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में। पहला ऑप्शन है 10,000, 9,000, 8,000, 7,000। ऑप्शन चार है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। दूसरा है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस युवा पर्वतरोही ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर सफल चढ़ाई की है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, और जब हम पिछले वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो नीचे एक किसी बंदे का कमेंट आया था, उसका कहना यह था कि टॉपिक को डिस्कस करने से पहले पूरी तरह से रिसर्च करके आए, मेरे लिए कहा गया था, 2 साल पुराना यह न्यूज है। तो भाई साहब, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जितने देर आपने कमेंट किया, जितने देर आपने टाइप किया, उतना ही देर अगर आप गूगल में सर्च कर लेते तो आपको बेहतर जानकारी वहां से मिल जाता कि यह 2 साल पुराना है या अभी का है। ठीक, तो इस तरह से कमेंट करने से पहले आप लोग जांच लिया करें जो भी हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स है ना वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टॉपिक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कर दी गई है। घोषणा हो चुकी है और अब जो है सिर्फ अनुमोदन ही बाकी है, और अनुमोदन के बाद यह जो है देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा और छत्तीसगढ़ का ये हो जाएगा 4था टाइगर रिजर्व। ठीक, चलिए, तो प्रदेश में बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तहत यहां पर टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट पर नहीं आया है, याद रखिएगा बहुत जल्द आ जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगता है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह भी समझ लीजिए कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ तमोर पिंगला अभ्यारण का भी कुछ हिस्सा इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत में आएगा। क्लियर, चलिए इसके बाद छत्तीसगढ़ में अभी कितने टाइगर रिजर्व है आपको पता है, 3 है, अचानकमार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। इसके बाद 4था टाइगर रिजर्व आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान होगा। ठीक, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्या करता है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, इसको स्थापित कब किया गया था, कौन से एक्ट के तहत किया गया था। तो यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, यानी कि इसे एक बिल के तहत यानी कि इसे संसद में एक कानून के तहत बनाया गया है जो 2006 में बनाया गया था। कौन से वन्यजीव अधिनियम के तहत में, तो यह है आपका संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के जो भी प्रोविजंस है उसके अनुसार इसका गठन किया गया है। अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे,
ताकि आपका रिविजन हो सके। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से भी लगता है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया। इसकी स्थापना यहां पर मैंने 2001 लिखा है, लेकिन एक्चुअल इसे स्टैब्लिश किया गया 1981 में। उस समय संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से यह जाना जाता था। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है संजय गांधी नेशनल पार्क से अलग हुआ, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क अस्तित्व में आया 2001 में। ठीक, इस राष्ट्रीय उद्यान का जो टोटल एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है 1441 स्क्वायर किलोमीटर आप कह सकते हो, या फिर एक्यूरेट अगर आप डेटा लेना चाहो तो 1440.71। और इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो ये है आपका हसदेव, गोपद और अरपा। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। यहां पर एक आपको सुनने को मिला था तमोर पिंगला अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी, उसे भी गुरु घासीदास नेशनल पार्क के साथ मिलाकर जो टाइगर रिजर्व में है वो शामिल किया जाएगा। तो तमोर पिंगला जो आपका अभ्यारण है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है सूरजपुर जिले में। और तमोर पिंगला अभ्यारण जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण है, जिसका जो कुल एरिया कितना है 608 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अब ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा तो तमोर पिंगला अभ्यारण है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा अभ्यारण है? तो वो है बादलखोल। कौन से जिले में स्थित है? तो वो आपका स्थित है जसपुर में। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना अभ्यारण कौन सा है? तो सबसे पुराना अभ्यारण आपका सीता नदी है। कब स्टैब्लिश किया गया इसे? तो 1974 में किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभ्यारण है? तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण है। तो इन बातों को भी आप यहां पर ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो करंट में न्यूज है यानी कि सिर्फ डायनेमिक पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर वो टॉपिक न्यूज में है तो हो सकता है उसके स्टैटिक पार्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए दोनों तरह से आप तैयार रहिए, और इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी टॉपिक न्यूज में है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं साथ में लेकर चलूं। क्लियर। अगला टॉपिक, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तब डिस्कस किया था जब इस स्कीम को अनाउंस किया गया था। इस स्कीम को अनाउंस कब किया गया था? तो इस स्कीम को अनाउंस किया गया था, याद रखिएगा, 28 जुलाई। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन छत्तीसगढ़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, इसी दिन इस योजना को घोषित किया गया था। अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। कब से हुई है? 1 सितंबर से। 1 सितंबर से पंजीयन शुरू हुआ यानी कि इस योजना की शुरुआत हो चुकी है, और यह पंजीयन चलेगा कब तक? 30 नवंबर 2021 तक। इस योजना से टोटल 10 लाख कृषक क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर परिवारों को लाभ मिलने वाला है। इस योजना के तहत कृषि मजदूर जो भी खेतों में काम करते हैं, जिनके पास खुद का कोई भूमि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर सुनिएगा, ऐसे किसान मजदूर जो दूसरों के खेती में मजदूरी करते हैं, जिनके पास में खुद का कोई जमीन नहीं है यानी कि वो भूमिलेस है, ऐसे किसान परिवारों को किसी इंडिविजुअल को नहीं, एक परिवार को प्रत्येक वर्ष जो है 6,000 रुपए का आर्थिक मदद प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत दिया जाएगा। क्लियर है। और इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को फायदा पहुंचा जाएगा, और यह जो राशि है इनके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और इस योजना का लाभ जो है इसी फाइनेंशियल ईयर से यानी कि 2021 और 22 से मिलेगा। इसके अलावा आपको और भी बातें याद रखना होगा, हालांकि हमने कई बार डिस्कस किया है, क्या कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इस साल राजीव गांधी के नाम से भूमिहीन मजदूरों के लिए एक शुरू किया गया, इस वर्ष जो है राजीव गांधी के नाम से एक भूमिहीन किसान मजदूरों के लिए एक योजना शुरू किया गया, लेकिन पिछले साल भी एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू किया गया था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस योजना को शुरू कब किया गया? तो इस योजना को शुरू किया गया, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था पिछले साल, इस योजना को शुरू किया गया 21 मई 2020 को। 21 मई 2020 को क्या था? तो 21 मई 2020 को आपका राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि था। कितने फसलों को शामिल किया गया था? तो शुरुआती में 3 फसलों को शामिल किया गया था,
जब 2020 और 21 में इस योजना को शुरू किया गया तो सिर्फ 3 फसल शामिल किया गया था, कौन कौन सा आपका धान, मक्का और गन्ना। वर्तमान समय में कुल कितने फसल इस योजना के अंतर्गत में शामिल किए गए हैं, 14 फसल, इस साल फसलों की संख्या बढ़ा दी गई। यह जो है एक इनपुट सब्सिडी के तौर पर इस स्कीम को आप कह सकते हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एमएसपी धान पर दिया जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि हम 2500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे, तो एमएसपी के बाद जो अमाउंट बच जाता है 2500 को पूरा करने में, वो इस स्कीम के तहत दिया जा रहा है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। राजीव गांधी किसान भूमिहीन मजदूर न्याय योजना इस वर्ष शुरू किया गया, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो पिछले वर्ष शुरू किया गया था। क्लियर। चलिए, जो अगला टॉपिक है वो है इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़, यानी कि यह एक तरह का इन्वेस्टमेंट मीट होगा जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ में ग्लोबल लेवल पे किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके, यानी कि उसे प्रोत्साहित किया जा सके। इसीलिए एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट 2022 का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जाना है, और इस जो ग्लोबल मीट होगा इसका नाम दिया गया है इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का जो आयोजन है कहां कब किया जाएगा, जनवरी 2022 में, यानी कि अगले वर्ष। किसके द्वारा किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कब से कब तक किया जाएगा यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 27 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक। जितने भी पॉइंट्स हैं याद रखिएगा, कहां आयोजित किया जाएगा, इस मीट का नाम है क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहां पर हम जरूर देखेंगे। देखिए, इस मीट में 4 सेक्टर पर फोकस किया गया है छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। पहला है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है माइनिंग, तीसरा है हैवी इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन, और चौथा है आपका ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का मतलब है, आपको पता है कि यहाँ पर एथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए सरकार द्वारा पिछले कई साल से जो है प्रयास किए जा रहे हैं, और पीपीटी मॉडल पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाए जाने की घोषणा की जा चुकी है। ये कहाँ लगाया जाएगा, आपका कवर्धा में लगाया जाएगा, यानी कि भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना में लगाया जाएगा। तो ये मेन जो है 4 सेक्टर हैं, और इसका प्रमोशन किया जाएगा विक्सपो इंडिया की तरफ से। इंडिया में जितने भी बड़े बड़े मीट होते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या फिर अलग अलग मीट होते हैं, जैसे ऑटो मीट होता है, तो इस मीट को प्रमोट करने वाली एक प्रमुख एजेंसी है विक्सपो इंडिया। इसी और जो छत्तीसगढ़ में जो मीट होने वाला है, यह एजेंसी जो है उसका प्रमोशन करेगी। तो इतने पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा, ये तो न्यूज में हो गया, इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखना होगा। छत्तीसगढ़ का इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब से कब तक का लागू है, अभी ये है 2019 से 2024 तक का, क्योंकि ये सारे जो मीट हैं और जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो प्रपोजल तैयार किया गया है वो कहां रखा गया है, वो है आपका इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में समाहित है, जो कि 2019 से 24 तक के लिए लागू है। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का थीम क्या है, तो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का थीम है, याद रखिएगा, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक, इसे आप इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का विजन भी कह सकते हो। क्लियर है। इसके अलावा जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ में ट्रेड की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि भारत के राज्यों के लिए जारी किया जाता है, उसमें टोटल भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिसमें जो छत्तीसगढ़ का रैंक है वो 6th है। ये आपका लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से है। 2018 में जब राज्यों के लिए रैंकिंग रिलीज किया गया था इज ऑफ डूइंग बिजनेस का, तो उसमें भी छत्तीसगढ़ का जो रैंक था वो 6th था। तो इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि 2018 वाला जो रिपोर्ट था इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का, उससे सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। हाँ, इससे रिलेटेड यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो ये देख लीजिएगा कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो पिछले अगर देखोगे 3 वर्षों में, जब से ये सरकार गठित हुई है, तो टोटल जो है इन्वेस्टमेंट के लिए 132 एमओयू साइन किए गए हैं, जिसकी लागत है 58,950 करोड़ रुपीज।
ये डेटा इसलिए यहां पर जरूरी हो जाता है ताकि आप मेंस में वैल्यू एडिशन कर सको कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के पर्पज से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कैसे कैसे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा यहां पर टोटल 1564 नई औद्योगिक यूनिट्स को भी स्टैब्लिश किया गया है और इससे लगभग 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला है। इतने पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। यह भी आपका प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजमेरगढ़। इसे एक तपोवन के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा। क्या है ये राजमेरगढ़ का तपोवन? तो ये गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के सुदूर अंचल में स्थित है, अमरकंटक से लगता है, यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। राजमेरगढ़ अमरकंटक से लगा हुआ एक क्षेत्र है और यह एक तपोभूमि है। तपोभूमि का मतलब होता है कि पहले जमाने में, यानी कि प्राचीन काल में, जब ऋषि मुनि किसी जगह पे तपस्या किया करते थे तो उसे तपोभूमि कहा जाता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है, पिकनिक स्पॉट कह सकते हो आप इसे, छत्तीसगढ़ का एक हिल स्टेशन के तौर पर कह सकते हो। और इसे जो है तपोवन के रूप में विकसित किए जाने का छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यह बैगा आदिवासी का निवास करने वाला स्थान है, यानी कि बहुल इलाका है बैगा जनजातियों का। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तपोवन बनाया जाएगा, ये वाला एरिया कहां स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, इतने पॉइंट्स को बस आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है इस बात को समझिएगा, पूरे देश में हलचल है, पूरे देश में चर्चा है जातिगत आरक्षण को लेकर। कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं कि पूरे देश भर में जातिगत आरक्षण करवाया जाए। अब जातिगत आरक्षण की मांग क्यों उठ रही है? तो जो भी राज्य सरकार है उनका तर्क ये है कि जातिगत आरक्षण से हमें ये पता चलेगा कि हमारे राज्य में कौन से जाति के कितने लोग रहते हैं, ताकि उनके हिसाब से रिजर्वेशन सिस्टम बनाया जाए, उनके हिसाब से स्कीम्स लाया जाए, या फिर सरकार की जो भी कल्याणकारी पहले होती है उस आबादी की, उस जनसंख्या के हिसाब से जो है उन तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए पूरे देश भर में जातिगत आरक्षण की मांग जो है उठ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहां पर सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, यानी कि जाति जनगणना जो है, आप एक सर्वे कह सकते हो इसे, ये शुरू हो चुका है। और छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इस तरह का सर्वेक्षण शुरू किया है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे कि ये कब से शुरू हुआ, तो 1 सितंबर 2021 से हुआ। सबसे पहले इस सर्वेक्षण में शामिल होने वाले व्यक्ति हैं हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। यह सर्वेक्षण कब तक चलेगा यह भी याद रखिएगा, ये चलेगा आपका 12 अक्टूबर 2021 तक। अब राज्य की जनसंख्या में अदर बैकवर्ड क्लास का कितना पॉपुलेशन है, इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर लोग कितने हैं, वो इस सर्वेक्षण के बाद पता चलेगा। अब ये सर्वेक्षण कैसे किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ का कमीशन है, इस कमीशन का नाम है छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल कमीशन। इसने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है और एक पोर्टल डेवलप किया है। तो इस पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो उस ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो यहां अपना डेटा इस पोर्टल या फिर एप्लीकेशन पे जमा कर सकते हैं। अब ये कमीशन जो है, कौन सा कमीशन, छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग। क्वांटिफिएबल का मतलब क्या होता है, एक मात्रात्मक आप इसे कह सकते हो, यानी कि जो भी यहां पर इस जाति से रिलेटेड सर्वे किया जा रहा है उसी का एक मात्रात्मक रूप आप ले सकते हो। और इस कमीशन का गठन ही इसलिए किया गया, और इस कमीशन का गठन जो है हाल ही में किया गया है, और इसलिए किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में अदर बैकवर्ड क्लास और इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके पॉपुलेशन का पता लगाया जा सके, इसलिए इस कमीशन का गठन किया गया है। और इस एप्लीकेशन का नाम है CGQDC, आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे डेवलप किया गया है चिप्स के द्वारा। ठीक, चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या और पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना करने के लिए ही इसे डेवलप किया गया है। अब यहां पर यह ध्यान रखिए कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 15 अगस्त 2019 याद है आपको इस दिन क्या हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को बढ़ाने की घोषणा की गई थी। किस प्रकार से घोषणा की गई थी, तो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है सारे कैटेगरी वाइज
हम ऐड कर दें तो वो है हमारा 58%। कैसे 58% है? आप यहां पर 32% जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, इसके अलावा 12% जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है, इसके अलावा 14% का जो रिजर्वेशन है वो है आपका अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी के लिए। तो इस हिसाब से आपका 58% रिजर्वेशन सिस्टम अभी हमारे सरकार द्वारा चलाया जा रहा है यानी कि प्रदेश में लागू है। 15 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो घोषणा किया गया था, शेड्यूल ट्राइब्स को सेम रहने दिया गया था, शेड्यूल कास्ट में 1% का इंक्रीमेंट किया गया था, इसमें 13% का इंक्रीमेंट करके इसे 27% कर दिया गया था, और इसके अलावा अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। और इस तरह से जो पूरे प्रदेश में है रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़कर हो गया था 82%। अब इस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। क्यों रोक लगाया था? क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कहना था कि आपके पास कौन सा डेटा है जो ये बताता है कि अदर बैकवर्ड क्लास का इतना पॉपुलेशन है और इस हिसाब से आप इतना रिजर्वेशन दे रहे हो, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का छत्तीसगढ़ में कितना पॉपुलेशन है कि आप इस हिसाब से आप इन्हें इतना परसेंट रिजर्वेशन दे रहे हो। तो रोक लगाने के बाद सरकार से कहा गया कि आप एक कमीशन का गठन कीजिए और उस कमीशन का काम होगा इनकी जनसंख्या का पता लगाना। और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक कमीशन का गठन किया था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पहचान करने के लिए कि कितनी बड़ी जनसंख्या है उसके लिए 2019 में एक कमीशन का गठन किया गया। उस कमीशन का क्या नाम था? छबीलाल पटेल आयोग, यानी कि छबीलाल पटेल कमीशन। इस कमीशन का गठन किया गया था, इस कमीशन का नाम भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये है हमारा अगला टॉपिक। ये जो अगला टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के 5 ऐसे अस्पताल जिन्हें राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है यानी कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट दिया गया है। किसकी तरफ से दिया गया है? सबसे पहले पॉइंट पे याद रखिएगा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह जो सम्मान है यानी कि यह जो प्रमाण पत्र है गुणवत्ता का, यह दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा यह जो प्रमाण पत्र है वो दिया गया है। कौन कौन से अस्पताल को दिया गया है इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले याद रखिएगा कि अब तक शुरू से लेकर अंत तक छत्तीसगढ़ के 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 7 जिला अस्पताल को इस तरह का एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिल चुका है। लेकिन इस साल जो एश्योरेंस सर्टिफिकेट दिया गया है वो प्रदेश के 5 अस्पतालों को दिया गया है। कौन कौन से ये अस्पताल हैं ध्यान रखिएगा, तो दुर्ग जिले का पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 है और इसके अलावा 5 जो है 4 जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे यह एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कौन सा है? दुर्ग जिले का पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब बिलासपुर का, कोरबा का, राजनांदगांव का, धमतरी का, कौन कौन सा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसे मिला है, इसे आप पीडीएफ के माध्यम से नोट बना लीजिएगा। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि टोटल कितने छत्तीसगढ़ के अस्पतालों को जो है एश्योरेंस सर्टिफिकेट भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है, 5। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला। दूसरा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को दिया गया, क्योंकि एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है वो है आपका पाटन का। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। 4 पॉइंट जो बाकी बच जाते हैं इसे आप ना भी याद रखोगे, बस एक बार देख लेना, इतना काफी है, टोटल बस याद रखना। ठीक, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2021 यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आज कितना तारीख है? आज है आपका 8 सितंबर, तो 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये आप बताइए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक, चलिए, तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं उनका चयन कर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक, तो प्रदेश में कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है 2021 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से? पहला क्वेश्चन यही आपसे बनता है, तो टोटल नंबर है 58। तो यहां पर एक सवाल यह बनता है कि क्या पूरे 58 शिक्षकों का नाम याद रखना है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ 4 शिक्षकों का नाम याद रखिएगा जिन्हें
अलग अलग महान साहित्यकारों के स्मृति के नाम पर दिया जाता है। तो सबसे पहला जो महान साहित्यकार है और जिनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है उनका नाम है डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी स्मृति पुरस्कार। इस कैटेगरी में किन्हें दिया गया है याद रखना है तो बलौदाबाजार जिले के विकासखंड के भाटापारा की पंचम दीवान जो कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक हैं जिनका नाम है केशव राम वर्मा, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है डॉक्टर गजानंद माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार। ये जो चार शिक्षक है ना जिन्हें इन चार कैटेगरी में दिया जा रहा है ये नाम आपको याद रखना है। तो इस कैटेगरी में किसे दिया गया है तो बलौदाबाजार जिले के ही विकास खंड है सिमगा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसदा के व्याख्याता है जिनका नाम है श्री चोवारम वर्मा। तीसरा कैटेगरी आता है आपका डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। महासमुंद जिले के विकास खंड बागबहरा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसे केरा के प्रधान पाठक हैं विजय कुमार शर्मा। और चौथा है डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार। ये किसे दिया गया तो गरियाबंद जिले विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला उजरी जोर के शिक्षक हैं श्री कमल किशोर ताम्रकार। तो इन चारों का नाम याद रखिएगा कौन से जिले से बिलोंग करते हैं कौन से स्कूल से हैं ये आपको याद रखना होगा। लेकिन इस टॉपिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, वो इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है लेकिन उससे भी ज्यादा चांसेस है यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है और राज्य स्तरीय जो शिक्षक सम्मान 2021 दिया गया वो राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है जो कि कुल शिक्षकों की संख्या 58 है। अब राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ के एक शिक्षक को सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 में और इस शिक्षक का नाम क्या है श्री प्रमोद कुमार शुक्ला। इन्हें सम्मानित किया गया है 5 सितंबर को राष्ट्रपति महामहिम कौन रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले श्री प्रमोद कुमार शुक्ला एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करवापंड जिला बस्तर के व्याख्याता है। कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं कौन से जिले के रहने वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। इनका नाम आपको याद रखना है कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं कौन से जिले में है ये याद रखना है। और एकलव्य आवासीय विद्यालय के बारे में आपको पता है कि आदिवासी बच्चों को रहना खाना यानी कि एक हॉस्टल स्कूल दिया जाता है जिसका नाम रखा गया है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ये भी आपको पता है कि पूरे देश भर में शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया तो टोटल है 44 शिक्षक जिसमें छत्तीसगढ़ के एक शामिल है उनका नाम आपको याद रखना है। अगला टॉपिक, राज्य में जो भी स्टेट सर्विस में जो भी सर्वेंट वर्क करते हैं उनका जो डीए दिया जाता है यानी कि जो महंगाई भत्ता दिया जाता है उसमें 5% का इंक्रीमेंट किया गया है यानी कि उसे बढ़ाया गया है इंक्रीज किया गया है। इसके अलावा जो भी छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं जो पेंशन ले रहे हैं उनके भी पेंशन में 5% की वृद्धि की गई है। ठीक, पहले दिया कितना था 12%, अब बढ़ाकर इसे कर दिया गया है कितना 17%। तो इससे जो है पूरे प्रदेश के 4 लाख शासकीय सेवकों और 1.25 लाख जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं इनको फायदा पहुंचने वाला है 5% का। और छत्तीसगढ़ के बजट पर जो बोझ पड़ने वाला है वो है आपका इससे 1020 करोड़ रुपए। इतने पॉइंट्स को याद रखिएगा, बस 5% का डीए बढ़ाया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनका डीए बढ़ाया गया, कितना किया गया है 17% से बढ़ाकर इनका किया गया है 28%, ये भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक, कोरिया एसपी को अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वनडे एग्जाम के लिए, इसे भी याद रखिएगा। तो कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा इन्हें सम्मान दिया गया है तो ये अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस। अमेरिका की एक संस्था है जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इन्हीं की ओर से बेहतर पुलिसिंग के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया एसपी जिनका नाम है संतोष सिंह का चयन IACP यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस के लिए किया गया है। इस बार इस सम्मान के लिए 6 देशों से टोटल 40 पुलिस अफसरों का चयन किया गया है इस एजेंसी की तरफ से। अब इनमें से भारत के 2 IPS अफसर को सम्मानित किया जाना है और 2 अफसर में से भी एक छत्तीसगढ़ के हैं तो इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा कौन है तो दूसरा है अमित कुमार जो कि यूपी कैडर के IPS ऑफिसर है।
इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह सम्मान इन्हें किस लिए दिया जा रहा है, तो पुलिस की छवि को सुधारने के लिए इन्होंने जो कार्य किया है इसके लिए इन्हें जो है ये सम्मानित दिया गया है। कैटेगरी भी याद रखिएगा कि इन्हें कौन सी कैटेगरी में दिया गया है, तो अंडर 40 कैटेगरी। अंडर 40 कैटेगरी का मतलब यह है कि इनकी उम्र 40 वर्ष से कम है, इसलिए इन्हें अंडर 40 कैटेगरी में यह सम्मान दिया गया है। ठीक, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, नाचा को मिला है ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए इस टॉपिक में कि नाचा है क्या। तो नाचा है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से आप समझ गए होंगे कि नॉर्थ अमेरिका में छत्तीसगढ़ की रहने वाली कम्युनिटी यानी कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने वाले जो भी लोग रहते हैं उनकी तरफ से एक एसोसिएशन का गठन किया गया है। और इस एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, 2017 में किया गया था। ठीक, नाचा नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। और इस एसोसिएशन को यानी कि इस कम्युनिटी को जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड जो है प्रत्येक वर्ष अमेरिका द्वारा जो बाहर की कम्युनिटी होती है, ग्लोबल कम्युनिटी जो होती है, और उस कम्युनिटी के द्वारा उस क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए सम्मानित किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर कैटेगरी में इस कम्युनिटी की तरफ जो छत्तीसगढ़ के एनआरआईज अमेरिका में रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, यानी कि इस कम्युनिटी को सम्मानित किया गया। तो कम्युनिटी याद रखिएगा, नाचा, नाचा का फुल फॉर्म क्या है याद रखिएगा, कहां की ये ऑर्गेनाइजेशन है, कहां के द्वारा सम्मानित किया गया, नाचा को कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन एसोसिएशन की तरफ से ऐसा क्या किया गया कि इन्हें 10वीं वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है द्वारा सम्मानित किया गया है। इसलिए क्योंकि इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को वहां पर बढ़ावा दिया गया, उसे प्रमोट किया गया, और इसी के उद्देश्य जो है इन्हें सम्मानित किया गया। और इस नाचा की तरफ से देश विदेशों में जो छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ की लोक संस्कृति है, इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को पहुंचाया जा सके। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। और आपने एक चीज देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि जितने भी टॉपिक्स को हमने एनालिसिस किया सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमने शुरू में आपसे क्वेश्चन पूछा था, उम्मीद करता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में आपने आंसर जरूर किया होगा। हाँ, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा, अगर किसी भी तरह से कोई मन में शंका हो या डाउट हो या कोई सुझाव हो तो भी, इस लेक्चर से संबंधित अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर डालिएगा ताकि हम उस पर अमल कर और बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जा सके। ठीक, तो आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या था, हाल ही में राज्य में सूखे की स्थिति में फसल खराब होने पर सरकार द्वारा प्रति एकड़ कितने रुपए की सहायता देने की घोषणा प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। डिस्कशन हमने किया था लेकिन बता दे रहा हूं, इसका आंसर है 9,000 रुपए प्रति एकड़। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ में सूखे की स्थिति बनी हुई है और कई तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित भी किया गया प्रदेश सरकार द्वारा में। तो ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा ये कहा गया है कि अगर सूखा उस क्षेत्र को घोषित किया गया है, आपका फसल खराब हुआ है, तो उत्पादन हो या ना हो लेकिन आपको जो है 9,000 रुपए प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया जाएगा। यानी कि यह जो पहल शुरू किया गया है ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ही किया गया है, यानी कि जो ये अनाउंस किया गया है वो इसी स्कीम के तहत किया गया है। तो 9,000 रुपए प्रति एकड़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस युवा पर्वतरोही ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रुस पर सफल चढ़ाई की। इसका आंसर होगा चित्रसेन साहू। चित्रसेन साहू के बारे में आप याद रखिएगा, डबल एम्प्यूटी है यानी कि दोनों पैर से कृत्रिम है और दोनों पैर से कृत्रिम होने के बाद माउंट एलब्रुस पर चढ़ने वाले, सफल चढ़ाई करने वाले भारत के पहले व्यक्ति चित्रसेन साहू। इनका दोनों पैर कृत्रिम है, इस कैटेगरी में भारत के पहले व्यक्ति हैं, इस बात को भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। नैना सिंह धाकड़, ये न्यूज में भी थी हाल ही में, इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर सफल चढ़ाई की है। नैना सिंह धाकड़ छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के बाद, गठन से पहले का मिलाकर नहीं बोल रहा हूं, गठन होने के बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला पर्वतारोही है। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए, माउंट एलब्रुस आपको पता है कहां स्थित है, यूरोप में, नॉर्थ यूरोप में स्थित है।
माउंट एल्ब्रुस की हाइट कितनी है हमने पढ़ रखा है, इसे भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। ठीक, तो चलिए आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।